नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है रेवती जी, और रेवती जी का न्यू डाइट सिस्टम से कब से जुड़े हैं, क्या अनुभव है, वो सब हम जानकारी लेना चाहेंगे। रेवती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? बहुत जी बढ़िया है, बहुत जी बढ़िया जी। सबसे पहले तो ये बताइए, आप कहाँ पे रहते हो? मैं पुणे में, महाराष्ट्र में हूँ जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 68 जी। और आप कब से ये सिस्टम को फॉलो करते हो? मैं 4 साल से तक कर रही हूँ जी। तो 4 साल पहले आपको क्या प्रॉब्लम था और 4 साल के बाद में आपको क्या क्या लाभ हुआ, वो पूरा का पूरा जानकारी बताइए। 4 साल के पहले मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस आता था, काफी बीपी का प्रॉब्लम था, बाकी थोड़ा वेट भी था वैसे तो बाकी ये मुझे जो समझ में आया, एनडीएस का किसी ने भेजी लिंक, तो मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन इतना 100% नहीं होता था। उनका जो लोनावला में एक शुरू में कोरोना के बाद जो फर्स्ट जो लॉकडाउन खत्म हुआ, तब उनका शिविर था लोनावला में बीबी चव्हाण सरन का, तो मैंने वो ज्वाइन किया, तो उसके बाद मैंने वो 100% चालू कर दिया था। पूरा दिन रॉ और रात को पकाया हुआ खाना ऐसे जी जी। तो आपका पहले कितना वजन था, अभी कितना वजन है, कितना लॉस हुआ? मेरा 5 किलो कम हुआ जी, 5 kg। और बीपी की दवाइयां बंद हो गई आपकी? बिल्कुल बंद हो गई पूरी जी। और वो आपकी नर्वस सिस्टम जो खराब हो गई थी, वो भी अपने वो भी अच्छा हो गया पूरा। मैं हेल्दी माइंड और हेल्दी महसूस करती हूँ पूरी मैं जी। तो आपकी पूरी दिनचर्या कैसी रही, कि आपने सुबह कितने बजे उठे, कितने बार जूस पिया, कौन सा जूस पिया, कितना जूस पिया, कौन सा फ्रूट खाया, कितना फ्रूट खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, वो पूरा डिटेल में बताइए। ओके, मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ और बाद में मैं स्विमिंग के लिए जाती हूँ। अच्छा हाँ, तो उस वहां आने के बाद 9:30 बजे के बाद 10 बजे मैं ग्रीन जूस पीती हूँ। ओके, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही पीते हैं, वो पूरा एक आधा लीटर का तो होता ही है, उसके बाद बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ग्रीन जूस कैसे बनाते हो? ग्रीन जूस में लौकी होती है, आंवला का जूस आंवला होता है, और पुदीना, कोथिंबीर, हरी धनिया और कड़ी पत्ता, ये सब डालती हूँ। कभी कभी बीच में जो मेरे गार्डन में पत्ते हैं, पपीता का पत्ता है, वो भी डालती हूँ। कभी कभी वो व्हीट ग्रास की पाउडर डालती हूँ, ऐसे अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। लेकिन पुदीना, हरी धनिया और पालक, ये तो होता ही है जी जी वैसे। हाँ जी, तो आपके साथ में आपके हस्बैंड भी पीते हैं, तो उनको भी लाभ हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी सुबह की डायबिटीज शुगर की भी टैबलेट बंद हो गई पूरी। अरे वाह, क्या बात है जी जी, बहुत अच्छी बात है। और फिर जूस पीने के बाद क्या करते हो? तो 12:30-12 बजे रॉ फूड खाते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, उसकी बेल बनाती हूँ, नहीं तो वो फिंगर, ये लेडी फिंगर होती है, वो भी खाते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके का कुछ को, काकड़ी टोमेटो उसका भी करते हैं कुछ ना कुछ, तो खजूर के लड्डू बनाती हूँ और कुछ कौन सा भी फ्रूट, अभी आम चल रहा है तो रोज आम खाते हैं जी। अच्छी बात है, तो मतलब कि दोपहर में, लंच में आपके घर में खाना नहीं बनता है, और सुबह में जी, और सुबह में दूध की प्रोडक्ट भी आपके घर में नहीं आती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो पहले आपकी दिन, फिर आपने जूस पिया, आपने फल खाया, और फिर उसके बाद में कब लिया, क्या लिया, वो बताओ। नहीं, अभी वो पूरा साथ में ही लेते हैं हम। अच्छा। पहले फ्रूट खाते हैं, बाद में वो स्प्राउट्स और वो जो कुछ जो कोई ड्राफ्ट है वो सब खाते हैं जी, एक ही टाइम खाते हैं वो 4:30-4 बजे थोड़ा सा नट्स वगैरह खाते हैं, और रात को पकाया हुआ खाना खाते हैं जी। तो पकाया हुआ भोजन में क्या लेते हो? ज्वार की भाकरी होती है, ग्रीन सब्जी होती है, और सैलड भी होता है,
अच्छे से, मुझे कच्चा सैलड भी, मूली होती है, टोमेटो काकड़ी भी होता है, सब कुछ ऐसा, और थोड़ी सी दाल, पकी हुई दाल होती है जी। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके भोजन में सलाद तो रहता ही है, ये अच्छी बात है जी। तो रेवती जी ये बताइए कि दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट क्यों नहीं लेने चाहिए, और आप लेते हो नहीं लेते हो वो बताओ। नहीं लेते हैं, वैसे घर में दूध लाते ही नहीं अभी जी। तो क्यों दूध, और आपकी उम्र जो है वो 65 साल तक तो आपने चाय दूध साल ये सब लिया होगा, या 60 साल तक तो लिया होगा, तो ये बंद क्यों किया, क्या समझ आई आपको वो बताइए। क्योंकि चाय छोड़ना, दूध दही छाछ चीज पनीर मक्खन ये सारी चीज का हमने 60 साल तक सेवन किया है, तो कैसे आपने छोड़ा? ऐसे वो धीरे धीरे, जैसे मैं शिविर ज्वाइन किया ना वहां तो नहीं था, तो उस वक्त जो आदत बंद हो गई हमारी वैसे, और उसका वो मिल्क इज द साइलेंट किलर उन्होंने जो बताया। हाँ जी, तो बहुत दिमाग में बिठ गया है वो। जी जी, तो आपने तो आपको तो पता है कि दूध की प्रोडक्ट नहीं लेनी है, लेकिन क्यों नहीं लेनी है वो भी दर्शकों को समझाइए, क्योंकि दर्शक हमारे लंदन कनाडा से भी देख रहे हैं और गांव से भी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा बताइए कि क्यों नहीं लेना है चाय दूध। बोलते हैं कि अभी का जो मिल्क है उसमें काफी बनावट होती है, उसमें काफी केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो हमारे लिए बहुत बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो। ये गाय को इंजेक्शन देके उसका जो मिल्क प्रोडक्ट जो बनते हैं वैसे वो आता है, इसलिए वो नहीं, हमको अच्छा नहीं है वो, उसके लिए कैंसर हो जाता है, बाकी के भी हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए वो नहीं पीना चाहिए अभी। जैसे कृष्ण के समान में जो चाहे उस वक्त जो गाय और भैंस ऐसे ओपन एरिया में वो चारा खाते थे, वैसा तो आजकल नहीं है, वो इंजेक्शन डाल के ही उनको ज्यादा प्रोडक्शन बनाते हैं मिल्क का, इसलिए वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है वो। और वो जो है गाय का दूध तो उनके बछड़े के लिए होता है ना, हमारा जो है हमारे बच्चे पीते हैं, हम खाली मानव जाति ऐसी है कि सबका दूध पीते हैं, बाकी को कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे का दूध पीता है जी। ये सही समझ है आपकी, लेकिन आपने जो बताया कि कृष्ण के जमाने में भी गाय का दूध बछड़े के लिए ही था, वो चाहे खेतर में घूम रही थी या फिर कूड़े कचरे में गिर घूम रही थी, लेकिन उसका दूध उसके बछड़े के लिए ही है, वो चाहे शुद्ध गाय हो हमारे घर की गाय हो, लेकिन उसका दूध तो उसके बच्चे के लिए आएगा जी। तो ये समझ के हमें दूध की प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी बराबर। एनीमा के बारे में बताइए रेवती जी, एनीमा से कितना लाभ होता है? बहुत शुरू में तो इतना हल्का और इतना फ्रेश लग रहा था माइंड और पूरी बॉडी बहुत ही, तो अभी भी मैं इतने साल हो गए लेकिन एनिमा लेती हूँ मैं जी। अभी जरूरत पड़ती तो दो बार होता है, नहीं तो एक ही बार लेती हूँ, लेकिन शुरू में दो बार लेती थी जी। बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि पूरा लगता है कि अंदर की कितनी गंदगी थी हमारे, कुछ नहीं लगता है कि हमको पॉटी हो गई, लेकिन फिर भी अंदर कितना होता है कचरा, वो एनिमा से बाहर निकलता है तो बहुत हल्का महसूस होता है। पाव दर्द होते थे वो भी बिल्कुल बंद हो गए एनिमा करने के बाद जी। और नींद भी अच्छी होने लगी, पहले नींद का प्रॉब्लम था, थोड़ी बहुत नींद कम आती थी। हाँ नींद ऐसे आती थी नींद, लेकिन ऐसे वो ऐसे पीसफुल नहीं लगती थी, गहरी नींद नहीं थी। हाँ गहरी नींद नहीं लगती थी, तो अभी वो होती है अच्छा से, ये तो पूरा दिन भी फ्रेश लगता है जी। तो आप 69 इयर्स के हो और आप अभी स्विमिंग कर रहे हो, तो सुबह में उठ के चाय नहीं पीते, दूध नहीं पीते, आप पानी नहीं पीते, और आप स्विमिंग करते हो, कितना स्विमिंग करते हो, एक घंटा दो घंटा? एक घंटा जी। तो एज ए स्पोर्ट्स वुमन आप स्विमिंग करते हो एट द एज ऑफ 69, और वो भी सुबह में बिना चाय के बिना दूध के, तो आपकी एनर्जी कैसे रहती है वो बताइए। एनर्जी अभी ये एनडीएस के जैसे फॉलो कर लिए ना, तब से वैसे वो एनर्जी ज्यादा, जब कुक फूड खाती हो तो एनर्जी डाउन हो जाती है, तुरंत नींद आने लगती है। कभी कभी होता है ना रिलेटिव में कुछ फंक्शन है तो जाना पड़ता है,
तो वहाँ खाना खाने के घर आने के बाद बिल्कुल लेजीनेस आता है, तो लगता है कि नहीं हमारे लिए ये ऐसा खाना नहीं, हमारा ये रॉ फूड ही अच्छा है। तो आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, या फिर आपके स्विमिंग पूल पे भी सबको पता होगा कि ये सब क्या डाइट लेते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, तो आप क्या बताते हो सबको? मैं सबको मैं एनडीएस के बारे में बताती हूँ, और आपका बहुत सारे वीडियोज है वो मैं फॉरवर्ड करती हूँ फ्रेंड्स को, बहुत अच्छे, मैं रोज देखती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते कि रोज क्या देखती हूँ मैं जी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देखना, और अलग अलग कुछ समझ में आता है हर एक वीडियो में। हाँ जी, हम भी जब ये न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, तो हम भी पहले 3-3 आवर्स जो है वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे, चैंपियन हो गए थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, हम गोल्ड मेडल लाते थे, और एक ही स्टाइल नहीं लेकिन जो स्विमिंग की चारों स्टाइल है वो चारों स्टाइल में हमने मास्टरी कर ली थी, और उसमें भी हमने 6 गोल्ड मेडल लेके आए थे। लेकिन जब पता चला कि थैंक यू, जब पता चला कि बिना स्विमिंग के भी अगर ये सिस्टम को फॉलो करके भी अगर हम हेल्दी रह सकते हैं, तो फिर वो 3 घंटे का स्विमिंग था वो हमने बंद कर दिया। अभी जो है वो कभी कभार महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार खाली खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पहले 3-3 आवर्स का प्रैक्टिस करते थे वो हमने बंद कर दी है। अच्छा जी, लेकिन अच्छा लगता है, अभी गर्मी का सीजन है तो स्विमिंग अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। बॉडी को जी, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हमारे शरीर में पानी भी जाता है, ठंडक भी रहती है, पूरा बॉडी हमारा। अगर हम साइकिलिंग करते हैं तो खाली पैर हिलते हैं, लेकिन जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारे हाथ पैर हमारा सर पूरा का पूरा शरीर जो हिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी। हाँ बहुत। तो आप कब से स्विमिंग करते हो? बचपन से स्विमिंग करती हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, यानी को बहुत ही फिजिकली और मेंटली बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, यानी को कैसे मैं एक्सपीरियंस, तो बहुत एनर्जेटिक लग रहा है काफी। और कोई भी काम है, अभी भी मैं हिमालय में ट्रेकिंग करके आई हूँ। देखो ये अच्छी अच्छी बात तो बताइए तो पता चले ना कि आप हिमालय जाके आए हो। वाह भाई वाह, जी 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 जी। हाँ फिर हम दोनों ही गए थे। हाँ, तो 10-11 दिन का मतलब प्रोग्राम था। और अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रैवलिंग और पूरा ट्रेकिंग भी अच्छा हुआ पूरा। पूरी दुनिया ऐसा कहती है कि डायबिटीज के पेशेंट को आम नहीं खाना है, और आपके हस्बैंड को डायबिटीज ठीक हो गया न्यू डाइट सिस्टम से और अभी आम खा रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि पूरी जिंदगी में डॉक्टर ने मना किया था कि आम मत खाओ, और हमारी सिस्टम बोल रही है कि आम खाओ। वो रोज हम रोज 1-2 आम खाते ही है, चीकू खाते है, केला खाते है, और एवरीथिंग इज फ्रूट खाते है, एवरी फ्रूट खाते है, ऐसा कौन सा भी फ्रूट नहीं कि हम नहीं खाते है। अच्छा जी, और बाहर जाते हो तो और कोई जूस पीते हो, गन्ने का जूस या और कोई जूस? हाँ पीती हूँ। अभी मैं बेटे के घर गई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी हम इंडियन फॉलो करते थे। अच्छा, तो आपके बेटे को लगा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में आके फिर ये पिज्जा बर्गर पास्ता ये सब मम्मी नहीं खा रही है, फ्रूट्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं? नहीं, वो उन्होंने भी थोड़ा ग्रीन, सुबह का ग्रीन जूस शुरू कर दिया, उनको भी अच्छा लगा। अच्छा। एक बार मैंने उनको दिया जबरदस्ती पीने के लिए, तो उसको अच्छा लगा, तो तुरंत उसने बोला नहीं मुझे भी बना दो, मैं भी पीता हूँ। जी, तो क्या नाम है आपके बेटे का? प्रसाद। अच्छा, तो प्रशांत जी आपको भी नमन है कि आपके ऐसी माँ मिली है कि जो दूध की प्रोडक्ट नहीं दे रही है, लेकिन जो नेचर से बनाया हुआ ग्रीन जूस है वो बना के दे रही है। और अगर आप मम्मी भले इंडिया में हो और आप ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन आप अभी भी अपने आप जूस बना के, फ्रूट्स खा के, सलाद खा के आप भी अपनी सेहत को अच्छी रह सकती हो। अगर हमारे पास अपनी माँ नहीं है लेकिन हमारे पास मदर नेचर है, तो उसके जरिए भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो, उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955।
सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया सेल सेंटर है, जहाँ निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या फिर हमारी कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी ऑर्डर कर सकते हो या तो फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। रेवती जी, लास्ट में ही क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि अभी 70 की एज पे आप पहुंच गए हो, आप इतने हेल्दी हो, आप दवाई नहीं ले रहे हो, तो आगे की जिंदगी में कब तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? जब तक जिंदगी है तब तक करूंगी। जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है इंडेस करके। हाँ। बहुत ही अच्छा लगता है। ओके जी जी, तो थैंक यू। काम भी बहुत कम होता है। हाँ जी, तो आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम, थैंक यू, बाय बाय जी, बाय बाय बाय।